करने के लिए कहते भैया कितनी सेवा करनी है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कितनी एक घड़ी पूजा करनी है, डेली कितनी पूजा करनी चाहिए व्यक्ति को, एक घड़ी। इससे क्या होगा, उन्नति होगी जीवन में, अब उन्नति मतलब प्रमोशन होगा लाइफ में। कितनी पूजा, एक घड़ी, एक घड़ी मतलब कितना, चौबीस मिनट, एक घड़ी मतलब 24 मिनट। जो 24 मिनट भी भगवान की सेवा कर लेता है कहते हैं उसका कल्याण है। पर कहते हैं कलयुग में व्यक्ति का मन नहीं लगता, सबसे बड़ा जो समस्या है व्यक्ति के साथ। और बाकी कर्म कर, मोबाइल में क्या बोलते पबजी खेली पड़ी तो पूरी दिन रात बीत जाए, पता ना चले कई जने के मारे है ना। और भजन करने बैठना हो मन नहीं लगेगा, भाई माई को बोले एक घंटा बोले रहो, 2 घंटा बीत गए, ऐसे पूजा भी करे ऐसे पूजा ना हो। कहने का मतलब ये कलयुग की प्रधानता है। कली क्या करता है, आपका मन भगवान में नहीं लगने देगा और इसीलिए जीव दुखी है। आप देख रहा कौन जीव दुखी है, जो भगवान से दूर है, जो धर्म से दूर है, जो अधर्म पूर्वक आचरण कर रहा है वो दुखी है। सुखी कौन है, जो धर्म से जी रहा है ना। हमारे शास्त्रों ने किसी भी विषय के लिए व्यक्ति को मना नहीं किया, किसी के लिए मना नहीं किया, जो चाहे वो करिए है ना। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कहते हैं भगवान, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म करने के लिए भगवान ने जीव को स्वतंत्र किया, सभी लोग स्वतंत्र है, जो मन में आए वो करिए है ना। लेकिन क्या, मा फलेषु कदाचन, फल कौन देगा, फल भगवान देंगे। और कैसा फल मिलेगा, तो कहते हैं मराठी में गीत, जसे जाच कर्मा तसे फल दे तेरे ईश्वर, जो जस कर ही सो तस फल चाखा, मानस में दाता लिखते हैं। तो ये कथा इसलिए सुनी जाती है कि हमारे कर्म सुधर जाए बस, और बाकी तो अपने आप मिल जाएगा, सब ऑटोमेटिक। जब वो कबीर बाबा लिखते हैं, करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, है ना। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खा। जीवन में जब एक समय ऐसा आएगा कि हम बैठ करके किसी एकांत में पछताएंगे, क्या समय था हमने कुछ किया था, और जब समय गए फिर क्या पछताना है ना, कि जब चिड़िया चुके खेत। इसीलिए क्या करें, अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी समय हाथ में है, हम लोग अभी युवा होने जा रहे हैं पूर्णतः, और युवा होने जा रहे हैं तो अभी मौका है हमारे पास, जो चाहे वो कर ले है ना। और सब सरल है, बहुत कठिन नहीं है, भगवान की सेवा कठिन नहीं है। जीवन में मानस में दादा लिखते हैं, सकल पदार्थ है जग माहि और कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है, जिसने कर्म नहीं किया वो नहीं मिलता, उसे नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। पर जो कर्म करता है कहते उसके लिए भी है, सकल पदार्थ है जग में, इस जगत में सब मिल जाएगा वो जो चाहेगा है ना। और याद रखना, आर्ट ऑफ लिविंग यदि आ गया व्यक्ति को, जीवन जीने की कला जिसे आ गई, वो सुखी हो गया, वो संपन्न हो गया, उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है। सोच से तो अमीर बनता, आप अंबानी बन जाओ तो बिल गेट्स की यात्रा होगी है ना, और वो भी अंदर की तृष्णा पूरी नहीं होगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, नहीं और आ जाए और एक दिन टिकट कट जाएगा बीच में, कोरोना जैसे कोई महामारी आएगी और बोलेगी चल भैया इधर आओ है ना। तो क्या करना, ये कथा ये सिखाती है, कुछ सूत्र लेकर के जाइए, ये कथा सुनिए तो कुछ सूत्र लीजिए। क्या सूत्र लीजिए, हमको जीवन ऐसे जीना है जैसे ये आखिरी जीवन है ना, हमको दिन ऐसे जीना है शायद ये आखिरी दिन हो, कोई भरोसा नहीं कब ये श्वास रुक जाए, इसलिए गीत गाते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं ये किसी का है ना, कोई साथ और कोई भरोसा नहीं। हम कितना भी इसको सजाए संवारे, कितना भी बनाकर रखने का प्रयास करें, समय आने पे आएगा जब रे बुलावा हरि का, और छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कितना भी आप सोचो सब छूट जाएगा, साथ क्या जाएगा, कहते जो आपने धर्म किया वो साथ जाएगा। लोग क्या याद करेंगे, आपकी चोरी नहीं याद करेंगे है ना, क्या याद करेंगे, आपने कितना बढ़िया किया। बचपन में गलती सबसे होती है साहब है ना, कहते जो मनुष्य है वो गलती का पुतला है, अक्सर वो गलतियां कर बैठता है। पर कहते हैं मनुष्य कौन, जो गलती और करके पछताए उसे इंसान कहते हैं है ना। इंसान कौन, जो गलती करने के बाद पछताए कि मुझसे गलती हो गई। और यही कथा का सूत्र है कि हम स्वीकार कर ले भगवान से कि हे भगवान हम जैसे हैं आपके हैं, अपराधी हैं स्वीकार कर लेते हैं,
और जब ये भाव हृदय में आ गया कि भगवान मुझसे गलती होती है, अब मेरे अपराध को क्षमा करिए, अब नहीं करूंगा, तो भगवान सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं, है ना। सबने गलती की है, यार जीवन में कोई परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण केवल भगवान है, बाकी सभी अपूर्ण है, इसीलिए मनुष्य बने हैं। और मनुष्य बनने के बाद एक ऑप्शन आता है, देयर आर थ्री ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, तीन ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? कहते स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेनी, तीन ऑप्शन। आप मनुष्य का शरीर पाने के बाद चाहो तो स्वर्ग चले जाओ, है ना। कैसे जाओगे? पुण्य करिए, खूब सेवा करिए, खूब दान करिए, ये सब स्वर्ग को ले जाते हैं, ऐसा जीव स्वर्ग में जाएगा। या आप पाप करिए, लोगों को दुखी करिए, जो मुस्कुराते रहे उसको रुला दीजिए, दो थप्पड़ मार के चले, एकदम पाप, जब आपका पाप संचय होगा, कहते भी जीवन जीवन भी नरक हो जाएगा, शरीर छोड़ने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा, ये गर्व पुराण की बात है। या तीसरा क्या? स्वर्ग नरक अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति। मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? पुष्प ले लीजिए, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति, है ना। चार पुरुषार्थ होते हैं हमारी संस्कृति में, कौन से सुना होगा आपने कभी? धर्म, है ना, फिर अर्थ, खूब पैसे कमाइए। धर्म मतलब बहुत धर्म पूर्वक, बहुत सारा धर्म, जितना उतना कमाइए जितने में आपके मन को संतुष्टि न मिल जाए, है ना, उतना कमा लीजिए, और कमा के एक दिन लगे बहुत कमा लिया, बस अब छोड़ो, अब आनंद में रहिए, तब तक कमाइए। और ये कब होगा? दूसरी अवस्था में, जब हम लोग युवा बन रहे हैं, गृहस्थ में प्रवेश करने जाएंगे कुछ वर्षों में, है ना, संतान होंगे, बच्चे आएंगे, पत्नी होगी, तब हम लोग चाहे जितना धन कमाना चाहे कमाए, ये दूसरी अवस्था, धर्म के बाद अर्थ। वैसे तीसरा क्या है? काम, है ना, काम मतलब संतान उत्पत्ति करना, है ना, अपने जैसे औरों को जन्म देना, है ना, धर्म अर्थ काम और चौथा, फिर अंत में शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिले, है ना। ऐसे जीवन में चार आश्रम होते हैं, कौन से बताइए? आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, सुना है आपने एक शब्द ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा ये भी सातवीं आठवीं में था, दूसरा हमको तो नहीं था, बिल्कुल था, ये सारे थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं पहुंचा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये चार आश्रम है हर मनुष्य के जीवन के, चार आश्रम, क्या ब्रह्मचर्य, हम ये मान करके चलते हैं, वेद मंत्र कहते हैं शतमन्यु सर्गवंत देवा, कितना जीना है? 100 साल तक हमको जीवन जीना है, और 100 साल में 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य मतलब अपने आप को गृहस्थ के लायक बनाना, धन कमाने योग्य बनाइए, है ना, अपने आप को पूरी तरह योग्य, मतलब अगर आपका आधार ठीक हो, कोई बिल्डिंग खड़ी करने के पहले उसकी नींव को मजबूत करना होता है, और यह है ब्रह्मचर्य, अपने नींव को मजबूत करिए। दूसरा फिर गृहस्थ में जाएंगे, है ना, गृहस्थ मतलब 25 to 50 क्या करना है? संतान उत्पन्न करना है, और क्या करना है? पैसे बनाने हैं, घर बनाना है, दुकान बनाना है, जो बनाना है बनाना है, 50 तक सब बना लेना है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है, बच्चा बड़ा हो गया अब उसको सौंप दो दायित्व, भाई अब तेरा काम है, इसको संभालो और आगे बढ़े, और हम धीरे धीरे त्यागे, क्योंकि जो ममता हो गई है ना शरीर से या परिवार से संपत्ति से, उसको त्यागने की जो प्रैक्टिस, ये 25 साल लग जाएंगे, उनको वानप्रस्थ बोलते हैं, और फिर 75 में जीव छोड़ देता था, भैया धन्यवाद चलिए अब आप लोग अपना काम सुनाए, हम भजन करेंगे, है ना। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, क्या कृपा? सब तज भजन करहूं दिन राति, यहाँ भजन का परसेंटेज भी बढ़ने लगता है, है ना, ब्रह्मचर्य में 25% भजन करते हैं, है ना, और फिर वो जो गृहस्थी है वो 50% अधिक समय देता है भगवान, ताकि हमारा व्यापार चलता रहे, परिवार चलता रहे। वानप्रस्थ 75 टाइम कहाँ देगा? भगवान को, और 25 परिवार को, और सन्यासी पूरा भगवान का समय, जितना सांसों की माला में और सिमरू में सीताराम, सांस सांस में हरि भजो और वृथा श्वास जलि खोय, क्यों न जाने इस श्वास की आवन होय न होय, है ना, कि गया और वापस आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो पूरा समय भगवत सेवा में। ये कथा अब आपको संक्षेप में सुना दूं, क्योंकि विस्तार करें तो 7 दिन भी कम पड़ जाते। देखिए सत्यनारायण जो कथा है वो एक अध्याय, एक पुराण है, कौन सा पुराण? स्कंद पुराण, क्या नाम है? स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण में एक खंड है रेवा खंड, है ना, रेवा खंड में कहते हैं भगवान की 5 अध्याय की कथा है, कितने अध्याय की? 5 अध्याय की कथा है,
और कथा क्या प्रारंभ हुई, कहते हैं इतदाने निशारणे ऋषिया शौनका दया प्रक्षुर मुनि अतर गए सूतों पौराणिकों खलो। कहते नई मिशारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि घोर कलयुग आएगा तो सभी दुखी मिलेंगे, है ना। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, हमको लगता है तो सुखी होगा, व्यक्ति के जीवन में झांके तो सभी दुखी है, है ना। कैसे दुखी, तो संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिनु रहत उदास, है कोई तन से दुखी है, है ना, कोई मन से दुखी, डिप्रेशन में है, चिंता में है, खुद भी दुखी है, दूसरों को भी दुखी कर रहा है, है और साथ में है, और कोई तन धन भी, कोई धन के लिए दुखी कि काश थोड़ा पैसा आ जाए, बहुत काम पड़ा है अभी, है ना, धन के लिए परेशान है, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, ऐसे सभी थोड़ा थोड़ा दुखी है, और सुखी कौन, तो संत कहते हैं सुखी राम का दास, जो भगवान का दास है वही सुखी है और बाकी सभी दुखी है, है ना। तो क्या करना है, भगवान की पूजा इसीलिए करें कि हम भगवान के बन जाए, इससे होगा क्या, सब भगवान ही करते हैं, तो गीत गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। लोग बोलते महाराज पूजा अच्छी करते, लोग बोले महाराज महाराज ने क्या किया वो महाराज जी को पता है, क्या करने वाले, करने वाले भगवान को करवा देते हैं, और जब वो करवाएंगे सही दिशा में आपका कर्म होगा तो आपको जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से सभी दुखी थे, ऋषियों ने विचार किया कि घोर कलयुग आएगा और कलयुग में सभी दुखी मिलेंगे, तो केन उपायेन चैतेषां दुख नाशो भवे ध्रुवम, किस उपाय से सबका दुख दूर किया जाए, आपस में चिंतन किया, विचार किया, केन उपायेन चैतेषां दुख नाशो भवे ध्रुवम, ऋषियों ने चिंतन किया, कोई उपाय नहीं मिला तो गुरुजी के पास गए, कौन गुरुजी, सूत जी महाराज के पास गए, उनको प्रणाम करके पूछा कि महाराज क्या कोई ऐसा उपाय है जगत में जिससे सब सुखी हो जाए, आप कुछ जानते हैं क्या, हाँ उन्होंने बताया एक उपाय है, क्या, बोले भैया भगवान सत्यनारायण की कथा सरल है, बाकी जो उपाय है बहुत, जैसे आप 2 घंटे में उतराने लगे, है ना, अरे बहुत बहुत होगा पूजा, जल्दी करो जल्दी करो, है ना, ऐसे ऐसे व्रत पड़े हैं, पयोधि व्रत, हम 1 महीने तक जल पी करके रहना होगा, 1 महीने तक दुग्ध पी करके रहना होगा, 7 दिन तक भूमि पे शयन करिए या कुश के आसन पे शयन करिए, है ना, कपड़े के नाम पे लंगोटा धारण करिए, श्वेत वस्त्र धारण करिए, इतना कम्फर्टेबली जो बैठे हो ना, ये सत्यनारायण कथा में ही पॉसिबल है, बाकी का नियम बहुत कठिन है, सब पालन न करें, बिना नमक के खाइए, पूरे दिन व्रत रहिए, है ना, यहाँ तो मिल जाएगा, यहाँ पूजा भाई हवन भया तहाँ प्रसाद पाए, इतने इतने समय की पूजा, कितने समय की, हवन भर की पूजा हो रही है, हवन हुआ कि प्रसाद मिला, तब तक तो व्रत रहिए, व्रत में भी ऑप्शन है, आप फल खा के रहिए, आप दूध पी के रहिए, आप दही खा के रहिए, है ना, फलाहार करके रहिए, तो इसलिए कहते हैं ये सरल बहुत सुगम है, सब कर सकते हैं, कठिन नहीं है, बाकी बहुत कठिन है, आप कभी आपने देखा होगा माताएं रहती हैं ज्योतिया का व्रत रहती है, है ना, आप लोग के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कई व्रत रहते हैं, बिना पानी के ऐसे भी रह जाते हैं, कभी रह के देखो तो पता लगे कि ये व्रत है, ये तप है। तो यहाँ भी यही बताया कि भैया हरि अनंता हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, लेकिन कौन सा करिए जो सरल है, तो ऋषियों ने पूछा महाराज कोई सरल उपाय हो तो बताइए, कहा एक उपाय सरल है, क्या कौन सा उपाय, बोले सत्यनारायण देव यज चैव निशामुखे, भगवान सत्यनारायण की कथा सरल है, और विधान तो ये है भैया कथा शाम को होनी चाहिए, है ताकि थोड़ा व्रत हो जाए, लेकिन आज का जमाना है कि भैया 12 बजे जब आदमी 1 घंटे की पूजा करने लगा है तो हाँ वही बताया जा रहा है, इन सब के हिसाब कितने हो रहा है, इसके बाद भी अगर कोई परेशान है नहीं ना, सबके संग व्रत रहे, तुरंत प्रसाद जहाँ हवन हुआ भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद नहीं नहीं जो व्रत जो पूजन में बैठे वो का व्रत रहेगा, व्रत भी बड़ा सरल, वही बताया ना, फल खाते रहे, केला खा ले, दूध दही पी ले, लस्सी पी ले, दुनिया में चूड़िया खा, चूड़ा खाए के व्रत होता हो, समोसा खाए के व्रत होया क्या, कलयुग हो ना, हाँ एक जन कहन महाराज फलाहार लिया, बोले हाँ भैया ले आवा, हाँ तो ले आए मेन्दू वड़ा चटनी, बोले ससुर ही कौन फलाहार, बोले महाराज अब ये ले, ऐसा नहीं, देखिए जो विधान है कोई कर्म अगर नियम से करेंगे तो उसका बहुत लाभ, आप जब ये करके आज जो आप कर्म कर रहे हो ना, आप जब आगे विचार करेंगे 1-2 महीने बाद तो आपको लगेगा कि नहीं पहले से मेरा लाइफ कुछ बेटर है,
कुछ बढ़िया हो रहा है जो हम नहीं सोचे शायद वो काम होने लगा, इसलिए मेहनत किया जाए, इसलिए तक इसलिए भगवान को दुर्वार्चन करिए, इसलिए भगवान को आपने इतने तुलसी के दल अर्चन किए है ना। विधान तो 1008 का भी है, 1008 चढ़ाइए अपने तो भाग जाते हैं और बल्ला लेके मैदान में युवना महाराज क्रिकेट हुई बहुत पूजा भाई है ना, ये विधान है। तो यही बदल क्या देखिए, जिसने कथा रोचक है ऐसा नहीं आप कथा सुनेंगे, अगर मन से सुनेंगे तो आनंद भी आएगा है ना, और अगर बिना मन के करें तो भैया भोजन करने में भी आनंद नहीं आता है ना। फिर भी अब मैं आपको बताऊंगा जो भगवान का नाम है ना वो कल्याण करता है, क्यों, क्योंकि नाम जपता मंगल दिशि दशो है ना, दसों दिशाओं से भगवान का नाम आप जो जपते हो, राम कृष्ण हरि है ना, गंगापतये नमः, शमशरेश्वराय नमः, जो देवता को मानिए वो नाम जब जपोगे आप ना तो दसों दिशाओं से मंगल होगा है ना। कैसे करिए, लेकिन जब ये कहें कि जो बिजली की तार है, मान लो कोई यहाँ दीपक जल रहा है ना, इसको आप प्रेम से स्पर्श करिए या गलती से टच कर लीजिए तो ये आपको बताएगा कि यहाँ है ना। बिजली की कोई तार कटी हो उसको टच कर लीजिए है ना, चाहे आपने जान के टच किया हो या अनजाने में टच किया, वो आपको अपने अपना परिचय दे देगा है ना। ऐसे भगवान का नाम है ना, आप चाहे कहते भाव अनख आलस हो, कैसे भी नाम लीजिए, चाहे भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, चाहे आलस में लीजिए, क्या होगा, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, भगवान का नाम दसों दिशाओं से मंगल करता है, इसलिए नाम गाना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। उदाहरण क्या दिया बाबा ने, एक किसान जब खेती करता है ना तो उसमें वो बीज देख देख के नहीं बोता, कैसे करता है, छीट देता है, वो उल्टा पुल्टा कैसे भी बीज पड़ेगा वो अंकुरित होगा और 1 का 100 देगा वो है ना। ऐसे आप जो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हो आपका टाइम है ना, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा लाइफ में, इसीलिए इन्वेस्ट करिए, थोड़ा समय भगवान के सामने इन्वेस्ट करिए, हनुमान चालीसा करिए रोज 2 मिनट है ना, और लाभ देखिए, फिर आपको लगेगा 2-4 महीने जब कम से कम 100 पाठ हो जाए, विधान कितने का, जो 7 बार पाठ कर कोई क्या होगा, छूट ही बंदे महासुख हो, बहुत सुखी होगा, कितने में, 100 बार पाठ करेगा मतलब लगभग 3.5 महीना के आसपास, जब आप ये अनुष्ठान निरंतर करोगे तब आपको लगे कि नहीं महाराज 3.5 महीने में कुछ अच्छा हो रहा है, मन बात हल्का होता होगा, बहुत सुखी है, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न होगा और लोगों को भी प्रसन्नता बांटेगा, ऐसे लोगों की डिमांड होगी है ना, लोग इंतजार करेंगे ना ही आए नहीं, थोड़ा घर है ना घर में अंधेरा सा लगा, वो आ जाए महाराज देखो माहौल, ये कब होगा, क्योंकि आप पूरी तरह ऊर्जा से भर जाओगे। हनुमान जी कौन है, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय है ना, ये सब साइंस है भैया, पवन तनय है, पवन मतलब वायु के देवता है ना, उनके पुत्र है, मतलब पवन देव के पुत्र, पवन तनय बल पवन समाना, और हर सर्वत्र विद्यमान है हवा के रूप में, तो कहते अगर हनुमान ना हो, पवन ना हो जीवन में तो उसके बिना ये जीवन क्या है भैया, वही हो जाए वो ऑक्सीजन लगा सिलेंडर लगा पड़ी है ना, बाहर से खरीद के लगाए तो मने ना बची होगा टिकट कटी है ना, ये महिमा है हनुमान जी की। तो कहने का मतलब भगवान की कथा या भगवान का नाम कैसे भी सुनिए कल्याण ही करता है ना, भाव से सुनिए, कुभाव से सुनिए, रोकर के सुनिए, जबरदस्ती बांध कर सुनाया जाए, लेकिन ये नाम कल्याण करेगा, भगवान की कथा कल्याण करेगी, इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो ऋषि ने पूछा महाराज सरल उपाय बताइए, अब मैं संक्षेप में सुनाता हूँ, तुम विस्तार करेंगे तो पूरा दिन कम पड़े है ना, संक्षेप में सुन लीजिए 5 अध्याय की कथा। ऋषि ने कहा महाराज उपाय बताइए, कौन सा उपाय है, तो कहा एक उपाय भैया सत्य नारायण भगवान की के व्रत को कर लीजिए कल्याण हो। कहा महाराज कैसे किया जाए, क्या कोई इसका विधान है, क्या कोई इसका उपाय है, बोले हाँ विधान है, मैं आपको बताता हूँ। क्या किया नारद जी, यहाँ पे ऋषियों ने पूछा गुरुदेव भगवान से व्रत के बारे में, उन्होंने कहा कि जो आज आप हमसे पूछ रहे हो ना भैया, यही एक बार श्री नारद जी ने पूछा था, किसने पूछा, भगवान श्री नारायण से पूछा था, क्यों पूछा तो बताते हैं, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, नारद जी के मन में भाव आया कि जब तक जीवन है परहित करना चाहिए, जीवन में देखो जब तक जीवन है तब तक 2 कर्म करिए, क्या करिए, पुण्य कमाइए, पुण्य कमाने से क्या होगा, सुखी रहोगे, और पाप कमाने से जिसका फल क्या है, दुखी रहना,
तो यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो पुण्य कमाइए। यही बात बाबा ने लिखा है कि धर्म करिए परहित सरेसा धर्म नहीं भाई पर पीना समा नहीं अधमाए। परहित धर्म है ना, आपके कारण अगर कोई सुखी है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई प्रसन्न है, कोई आनंदित है, तो आप पुण्य कमा रहे हैं, है ना। इसका फल क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। और अगर आपके कारण लोग परेशान है, जहाँ जाओ वही उपद्रव बचाओ, है ना, उसका फल है दुख। आप भी दुखी रहोगे, सभी दुखी रहेंगे, तो जीवन भर परेशान रहेंगे। क्या करिए, परहित करिए। नारद जी परहित का भाव लेकर के, नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते हैं, है ना, अनेक लोगों में, वहां सब ठीक दिखा, लेकिन जब मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक उपागतम, क्या देखा, देखा नारद जी ने, या मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, क्या देखा, सभी लोग अनेक प्रकार के कष्ट को भोग रहे हैं। नारद जी ने सबको देखा, नारद जी को पीड़ा हुई, भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम किया। कहाँ थे भगवान, कहते क्षीर सागर में, वैकुंठ लोक में भगवान के गए। भगवान महापत्र तत्र नारायणम देव और शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, भगवान कैसे है, चार भुजाधारी है, हाथ में क्या है, शंख चक्र गदा और पद्मा, गले में वनमाला है, ऐसे भगवान का दर्शन किया। नारद जी ने स्तुति करी, नमो वाम सादिदा रूपाया आनंद शत गये, क्या किया, भगवान की स्तुति करिए। देखिए स्तुति सभी को प्रिय है, आपकी कोई प्रशंसा करे कि अनुराग भैया बहुत अच्छा आदमी है, बेचारा एकदम धर्मात्मा है, कितना अच्छा लगे आज अच्छा बोला था, है ना, और कोई बोले ना 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 बहुत बड़ा चंडाल हो, तब देखते हैं मान क्रोधा हो मन में आए कोई ना मिल भैया घर तो बताई नहीं क्या, है ना। तो स्तुति सबको प्रिय है, अगर कोई आपकी स्तुति करे, कर्म ऐसा हो कि लोग आपकी प्रशंसा करें, है ना। कबीरा जब हम पैदा हुए और जग हसे हम रोए, है ना, ऐसी करनी कर चलो और हम हसे जग रोए। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा कर्म इतना पवित्र हो कि जाने लगे तो लोगों लोग रोते रहे और मुस्कुराते हम शरीर को छोड़ दें। ये कब संभव होगा, इसके लिए तपना पड़ेगा। याद रखना, पूजा किसकी होती है, सूर्य की पूजा करते हैं, है ना। क्यों पूजा करते हैं, सूर्य स्वयं जल करके जगत को प्रकाशित करता है, है ना, स्वयं जल रहे हैं सूर्य, है ना, और उससे जगत प्रकाशित, और क्या हो रहा है, उसी से हम जीवन, हमको जीवन मिल रहा है ना। एक क्रिया है, कौन सी क्रिया है, वनस्पति वाली, हाँ फोटोसिंथेसिस, है ना, क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उससे क्या वनस्पतियां जी रही हैं और वनस्पतियों को देख करके हम जी रहे हैं, उनको उनका भक्षण करके। ये कृपा किसकी, केवल सूर्य की, सूर्य ना हो तो जीवन ना हो, और लेकिन उसके लिए सूर्य को कितना तपना पड़ता है, स्वयं जल रहे हैं, है ना। एक उद्देश्य, कहने का मतलब, जब तक हम जीवन में तपेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। हम सोचे कि क्या बोलते, चादर तान के सोए रहे और रात 10-11 बजे उठे और सब कुल हो जाए घर बार दुकान, तो संभव नहीं है साहब। जिसने पाया है ना उसको पूछना कि कितना तपा है वो, कभी जाकर उसे कोई जगह कोई सफल व्यक्ति मिले, है ना, उसके पास बैठ के पूछे भैया ये सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको लगेगा नहीं, लोगों को लगता है कि अरे ये तो ऐसे मिल गया सर, ऐसे कोई किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता, कहो एक रुपये में क्यों मालूम, कहो तुम्हें कहा एक रुपये दिए, है ना। जगत में कोई किसी को नहीं देता हो, तो मिलेगा कब, और जब आप योग्य बन जाओ तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जेकर घरे बैठे बैठ के 5 लाख रुपए सैलरी आवत, हाँ कंप्यूटर सामने बैठ के कर समझो गलत राम जाने आपकी बस का नहीं है, लेकिन आवत हो कितना आवत, तो साल भर के 60 लाख रुपया हो, तो कहने का, लेकिन उसके लिए उसने तपा है जीवन में, कुछ ऐसा हासिल किया कि आज उसको घर बैठे सब प्राप्त हो रहा है। तो ये करना है, आप अपने आप को इतना तपाइए इस अवस्था में, क्योंकि यही अवस्था है तपने की। ये शरीर को जैसे मोड़ोगे ना वैसे मुड़ जाएगा, बुढ़ोती में मोड़ बत टूट जाए, हाँ कहो, जैसे कोई छोटा सा पौधा लगाइए उसको जैसे घुमाना चाहे वो वैसे घुमा लीजिए, वो घूम जाए, और वही जब बड़ा पेड़ हो जाए उसको जब घुमाओगे वो टूट जाए। कहने का अभिप्राय, ये तपने की अवस्था है, और जो तपा है उसी की स्तुति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा में कहते 4-5 अध्याय की कथा है, पहले अध्याय की कथा में भगवान के कथा की महिमा बता दी है, भगवान की स्तुति। नारद जी ने की शॉर्टकट में सुनिए, अब गए ये 8वें गियर में कथा चलेगी, है ना, सुनिए ध्यान से। भगवान को पूछा कि महाराज क्या कोई ऐसा छोटा लघु उपाय है जिससे लोग सुखी हो, भगवान ने कहा हाँ नारद एक उपाय, बोले कौन सा है भगवान, कहा सत्य नारायणम देवा
यजेचैवनिशामुखे। क्या है? यद सत्य नारायण देवा यजेचैव निशामुखे। विज्ञान का भी सदुपयोग। लोग कहते हैं महाराज मोबाइल बहुत, देखिए जीवन में हर वस्तु उपयोगी है, आपको उपयोग करना आना चाहिए। अगर आपको उपयोग करने नहीं आता तो कहते हैं अमृत भी है और ये जहर भी है। विज्ञान के माध्यम से देखिए, यहाँ लगभग 5,000 लोग भगवान की कथा सुनेंगे, यहाँ घर बैठे बैठे पुण्य मिल जाए, लोग ध्यान से सुन रहे कथा है ना। कुछ लोग इसमें ऐसे भी दक्षिणा भेजते हैं, उनको आशीर्वाद गूगल पे पहुंच जा रहे हैं, तब काम अपने आप होगा, ऐसी दक्षिणा होगा। कहने का मतलब तो जगत में हर चीज अगर आपको उपयोग करने आता है तो जीवन में कोई भी वस्तु निकृष्ट नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया शास्त्रों में, एक है विष और एक है अमृत। विष का दुरुपयोग करने के कारण, वो विष का सदुपयोग, अब विष का क्या सदुपयोग? जैसे मालूम है आप बोले विष कब निकला, जानते हो? देवासुर संग्राम हुआ, दोनों ने मंथन किया, निकला वहां 14 रत्न निकले, उसमें विष भी था। विष निकला तो बोले कि भैया इससे संसार समाप्त हो जाएगा। अब बात आई कि भैया इसको या तो स्वयं कोई ले ले, है ना, और स्वयं ले तो अपन चले जाए, ये समस्या थी। अगर हम पिए तो हम मरे और बाहर रहा तो जगत मरे। अब इसको जगत को बचाने के लिए पीना भी पड़ेगा, है ना। सब हाथ उठा के खड़े हो गए, भैया उससे नहीं होगा। बोले ना, बोले क्या दिक्कत है? बोले भैया एक दिक्कत है, विष का क्या किया जाए? बोले समस्या क्या? बोले पियोगे तो पार हो जाओगे। बोले अच्छा तो भाई हम प्रयास करते हैं, फलाहार उसको लिया न पिए, है ना, है ना, न स्वयं मरे न जगत को मरने दिया। क्या किया? कंठ में धारण कर लिया, यही रोक दिया। अंदर गया तो हम चले जाएंगे, बाहर मिला तो जगत मर जाए, है ना। कंठ नीला पड़ गया, इसे भगवान का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ महादेव की जय। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से विष का दुरुपयोग करने के कारण भगवान नीलकंठ के रूप में पूजित हो गए, है ना। और अमृत का है ना, विष का सदुपयोग हुआ और एक अमृत है। अमृत किसने पिया था? राहु केतु ने, चोरी से पिया तो क्या हुआ? काट दिया गया। एक राहु है, एक है ना केतु बन करके लटक रहे हैं ऊपर, कोई काम भी नहीं। कहने का मतलब यहाँ वहां भी पत्रों मचा रहे, यहाँ भी कुंडली में राहु केतु आए वो सर्वा उत्पाद मचाना चालू कर। कहने का मतलब ये कि जीवन में अगर आपको सदुपयोग करने आ गया तो सब कुछ उपयोगी है, अगर दुरुपयोग करने आ गया तो भैया कोई कुछ भी काम का नहीं। तो ये कथा यही करके आपको उस योग्य बनाती है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना, पहले आप योग्य बनिए और फिर देखिए सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। एक ये भजन है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं और पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। हम उस योग्य बने नहीं, है ना। आपके पास बड़ा पात्र होगा तब भगवान ज्यादा देंगे ना, तो अपने आप को उतना योग्य बना लीजिए कि आपको सब भर कर मिले। तो यहाँ यही भगवान की कथा है। नारद जी ने पूछा, महाराज कौन सा सरल उपाय? बोले सत्य नारायण। बोले इससे क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं, कृतवा सद्यः सुखम भूतवा शांते सत्यपुरम। दोनों मिल जाएगा, मतलब करने पर सुख मिलेगा, जो दुख है जीवन में ना वो दूर होने लगेगा। और क्या होगा अंत में? शरीर छूटने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये भगवान की कथा की महिमा है। नारद जी ने पुनः चार प्रश्न पूछे, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम सर्वमित्राद्रोहि तदाकार्यं व्रतम प्रभो। क्या गुजरा? किम फलम, फल क्या हमारा, क्या मिलेगा? क्या भैया धन धान्य मिलेगा, धन धान्य प्रवर्धनम। और क्या मिलेगा? सौभाग्य संतति कर, जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह हो जाए, है ना, जिसे संतान नहीं होता उसके लिए संतति कर। और जो कहीं जो बार बार फेल हो रहा है लाइफ में, वो सर्वत्र विजय प्रदम, उसको हर जगह उसकी जय होगी, जय मतलब हर जगह वो सफल होगा, है ना। ये भगवान की कथा की महिमा है, सर्वत्र विजय प्रदम। नारद जी का दूसरा प्रश्न, किम विधान, महाराज जी विधान क्या है? भगवान जी का भी विधान ये है कि जिसका जो सामर्थ्य है ना, अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करे। भगवान बोले महाराज की दक्षिणा कितनी? दक्षिणा 1,00,000 रुपया से लेके 1 रुपया, बीच में जो डिजिट आ जाए उतना कर, है ना, कोई सीमा नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए, है ना। और इससे क्या होगा? किम फलम किम विधान, इस प्रकार करके केले के खंभे का बढ़िया भगवान का मंडप बनाइए, है ना, भगवान का आवाहन करिए, भगवान का विधिवत पूजन करिए, अभिषेक करिए। भगवान को तुलसी बहुत प्यारी है ना, तो तुलसी चढ़ाइए, बहुत महिमा है। चालीसराम जी की सेवा, उनको तुलसी चढ़ाइए। गणपति जी को दुर्वा प्रिय है, उनको दुर्वा चढ़ाइए।
इस प्रकार से जो करता है उसके सकल मनोरथ की पूर्ति भगवान करते हैं। तीसरा कृतम के व्रत, किसने व्रत को किया है में बताया। और चौथा कदा कार्य व्रत प्रभो, हे भगवान आपके व्रत को कब करना चाहिए, कोई मुहूर्त है। कहा भैया कोई मुहूर्त नहीं है, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, है ना। कोई मुहूर्त जब याद आ जाए भगवान की तब पूजन को करें। ऐसा करने से एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्ध भवेद्रो, ऐसा करने से भगवान सबके मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से कथा श्रवण करिए भगवान, और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए, भगवान को भोग लगाइए, स्वयं प्रसाद लीजिए, रात्रि को शयन भी करिए तो भगवान के नाम का जप करते हुए शयन करना चाहिए। और जो इस प्रकार करे भगवान सभी कामना की पूर्ति कर देते हैं। प्रेम सूर्य सत्य नारायण भगवान की जय। कुछ पर्पित कर दीजिए, यहाँ लाके चढ़ा दीजिए, सभी लोग एक जगह पुनः ले लीजिए। सत्य नारायणाय नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल।